मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गरियाबंद जिले के आदिवासी बाहुल्य छुरा विकास खंड मुख्यालय पहुंची, जहां सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के बस्तर सरगुजा दुर्ग संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता से भेंट मुलाकात करने के बाद रायपुर संभाग में जो है भेंट मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने राजिम विधानसभा के छुरा में रजिस्ट्रार कार्यालय स्टेडियम में लाइटिंग हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन ग्राम पांडुका को उप तहसील बनाने, सरद बुंदिया तालाब का सौंदर्यीकरण सहित 3/11 केवी उपकेंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है। सब लोगों से मिला, किसान लोग भी संपूर्ण देश के धान भी बेच रहे हैं, ठोका रोटी का पैसा भी मिलता है, बाहर जाने की कोई कमी नहीं है। और साथ ही सारे योजनाओं का लाभ, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, सब का लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री सर। आज भी मुख्यमंत्री हाट बाजार केंद्रित योजना हो, सर का लाभ ले रहे हैं स्वामी बच्चे, बहुत उनसे भी मुलाकात हुई, राजीव मतदान क्लब की सरकार से मुलाकात हुई, यहाँ आवास के बारे में जरूर शिकायत मिली और मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि एक महीने में सब सर्वे करा के जो पात्र हितग्राही है उसका केस बनना चाहिए। मैंने